हेलो 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 दोस्तों नमस्कार मेक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों बच्चों डीआरडीओ आर सेप्टम का आईटीआई रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस थी बच्चों जितने भी ट्रेड्स थे उनका रिजल्ट आ चुका है एक हफ्ता लगभग हो गया है आगे की रणनीति क्या है आगे आप सभी को बताए बच्चों कि इसमें स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना जो है वो कंपलसरी है मैरिट भले ही आपके जो आपके सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम हुआ था उसके जो मार्क्स है उसके हिसाब से बनेगी लेकिन बच्चों उसके साथ साथ आपको जो है स्किल टेस्ट को यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है आपके चाहे कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो बच्चों अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होना हाँ वो अलग चीज है कि अगर आपके अच्छे नंबर है मेरिट जो बननी है बच्चों वो आपके जो एग्जाम सीबीटी एग्जाम के जो मार्क्स है उसके उस पर ही आपकी मेरिट बननी है किस रेशियो में बच्चों बुलाया है बहुत ज्यादा बच्चे एक सीट के पीछे अगर मैं कहूं तो आठ बच्चों को बुलाया है काफी बच्चों को बुलाया है एक सीट के बच्चे आठ एक सीट के पीछे मतलब सात बच्चे जो है बच्चों बाहर होने हैं एक सीट के पीछे आठ जो रेशियो है आपका वो बहुत ज्यादा होता है अब हम किस तरीके से अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करें किस तरीके की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अगर करें कि हम जो है हमारा स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाए और प्रैक्टिकल टेस्ट जो हमारा वो क्वालिफाई हो जाए क्योंकि स्किल टेस्ट जो है बच्चों क्वालिफाइंग नेचर का है केवल आपको क्वालिफाई होना है वहां से आप या तो अंदर या तो बाहर तो काफी बच्चों हमें अच्छा रिस्पांस भी मिला है में बच्चों वेल्डर के बच्चों का फिटर के बच्चों का हमारे पेड कोर्स में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है काफी बच्चों की शंकाएं भी और काफी बच्चे बच्चों बहुत चिंतित भी इसको लेकर खासकर वो बच्चे ज्यादा चिंतित है जिन्होंने आज तक जो है स्किल टेस्ट नहीं दिया है और चिंता भी स्वाभाविक है बच्चों डरने की कोई भी बात नहीं है मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि स्किल टेस्ट कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं हो रहा है सेम उसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाते हैं जिस तरीके से आपने अपने आईटीआई में सेमेस्टर के प्रैक्टिकल दिए होंगे बस बच्चों आपको जो है आपको मेहनत जो आपको कर रहे हैं बच्चों, उसी मेहनत को, उसी नॉलेज के साथ साथ, बस यहां पर आपको थोड़ा कोई मशीन यूज हो रही तो मशीन का डेमोस्ट्रेशन बारीकी से आप टूल को कैसे बनाते हैं हर एक टूल का डिमोस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए हर टूल की बारीकी से आपको नॉलेज पता होनी चाहिए जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपको कोई में आपको कोई माइल्ड uh, स्टील का पीस दिया जाता है तो आपको उस पर मार्किंग कैसे करनी है सबसे मार्किंग जो है बहुत अहम रोल पर, uh, अदा करती है जिस दौरान आप कोई जॉब बनाते हैं जिस दौरान आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल uh, टेस्ट करते हैं मार्किंग अगर आपकी सही हो गई पहला स्टेप अगर सही हो गया तो आपकी कटिंग जो है वो सही हो ही जाती है अगर थोड़ा भी आपको जो है एक्सपीरियंस तजुर्बा है अगर आपने टूल जो है चलाए हैं अगर आपने अपने आई आई में प्रैक्टिस की होगी लेकिन अगर पहला ही स्टेप अगर मैं कहूं कि मार्किंग अगर आपकी सही नहीं हुई बच्चों तो पूरा का पूरा जो आपका टेस्ट है वो पूरा का पूरा टेस्ट जो है या फिर आपकी पूरी की पूरी जो जॉब बननी वही खराब हो जाएगी क्योंकि डायमेंशन एक इसी स्पेल टॉलरेंस में आपको जो है वो आपको जॉब बनाना है अगर आपने मार्किंग सही करी तो जो आपका जॉब है आपका जो आपका यहाँ पर बनेगा जो फाइनल आपका जॉब बनना है वो आपका सही बनेगा या फिर टॉलरेंस में की लिमिट के अंदर आपका बनेगा तो ये आपका बहुत मेन अगर मैं कहूँ कि पॉइंट है कि आपको मार्किंग कटिंग जो है ये जो स्टेप्स आपके होते हैं जो शुरुआती दौर में इनका आपको थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज जो है बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए बच्चों अगर मैं कर, बात करूं तो हमारे पास जो है वेल्डेड ट्रेड के बहुत ज्यादा जो है क्वेरीज आ रही थी बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें यूट्यूब से भी मिला और हमारा फोकस भी बच्चों की जैसे जैसे आपने देखा भी होगा यूट्यूब के माध्यम से हमने वेल्डिंग uh, के लेक्चर जो है हमने स्पेशल uh, डिमांड पर बच्चों हमने मैक्सिमम जितना हो सके उतना हमने यूट्यूब पे उपलब्ध कराने की कोशिश करी और उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में बच्चों हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बच्चों स्किल टेस्ट रिगार्डिंग जो है यहाँ पर भी बेनिफिट होगी तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूट्यूब में कुछ क्लासेस फ्री क्लासेस चलाई हैं ताकि बच्चों बेसिक्स नॉलेज जो है आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में कम से कम आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाइए कि स्किल टेस्ट कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है सिंपल है बच्चों बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है आपकी प्रैक्टिस आपकी बच्चों आपको बस कुछ गलतियां नहीं करनी है अगर आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हो आप बेसिक चीज़ों का अगर ध्यान में रखते हुए आपको स्किल टेस्ट अगर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जैसे बच्चों आपको वहां पर और भी अच्छे जॉब बनाते थे अपनी जो आपने आई के टेस्ट दिए होंगे आपके प्रैक्टिकल टेस्ट दिए होंगे सेमेस्टर एग्जाम दिए होंगे वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे जॉब बनाते थे बस वैसे ही आपको जॉब बनाने

बहुत आपको बहुत बेसिक से वहाँ पर कटिंग भी करनी होती है उसके अलावा आपको मार्किंग मेजरिंग ये सारी की सारी कटिंग ऑपरेशंस और फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है फाइनल जॉब आपको तैयार तो करनी होती है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों की एक घंटा दो घंटा अगर आपको दिया गया है तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं देगा मैं अगर बात करूं बच्चों यहाँ पर क्योंकि वेल्डर ट्रेड से हम और चीज़ों के लिए भी और ट्रेड्स के लिए भी बच्चों हम और ट्रेड्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही ट्रेड के लिए बाकी ट्रेड्स के लिए भी हम स्किल टेस्ट और आने वाले टाइम पे मैं बच्चों हम बहुत अच्छा जो है लैब सेटअप या फिर वर्कशॉप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट से रिलेटेड जितने भी नॉलेज हैं हम और ब्रांचेस को नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमें जितना जो है अगर जितना जो है हमें यूट्यूब के माध्यम से हमें अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या फिर और रिसोर्सेज से जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं

बनाने होते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट बनाने होते हैं। हो सकता है आपको वेल्डिंग आपको कटिंग करनी हो आपको कटिंग भी करने के लिए दे सकता है आपको वेल्डिंग बनाने के लिए भी दे सकता है तो अगर मैं बोलूं कि एक घंटे में वेल्डर जो मेरी ट्रेड है उसका स्किल टेस्ट जो है डीआरडीओ कैसे लेगा सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं

अगर मैं वेल्डर की बात करूँ यहाँ पर वेल्डर तो वेल्डर ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आप बांध लीजिए कि वेल्डर ट्रेड में दो वेल्डिंग सेटअप पे तो आप बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक है आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और एक बच्चों आपका गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग और इसमें भी सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करने के लिए दिया सकता है वो आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो सकता है इसी के साथ अगर मैं बात करूं मचो इसी के साथ अगर मैं यहां पर करूं तो इसमें एक टिगमिग भी आ जाती है टिगमिग भी आती है लेकिन मैक्सिमम जो चांस होते हैं आपके मैक्सिमम जो अवेलिटी भी होनी चाहिए आप वो आपकी टिग होती है और टिग आपकी दोनों आजकल एसी डीसी दोनों जो है आजकल बहुत छोटी सी हर जगह उपलब्ध है लेकिन इससे भी अगर मैं पहले अगर बोलूं तो सबसे ज्यादा जो चांस करने के लिए बोलते हैं। अब एक घंटे में बच्चों एक घंटे में आप कितना प्रैक्टिकल कर पाते हैं एक घंटे में यहां पर क्योंकि डीआरडीओ जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे उसको रिटर्न में भी लिखना होगा उसके जो प्रोसीजर आपने किया है उसको डिमोस्ट्रेशन उसका प्रैक्टिकल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो रिटर्न फॉर्म में उसको आपको लिखना भी होता है कि जैसे आप आज तक भी लिखते अपने आई टी आई कॉलेज में आई टी आई कॉलेज में आप क्या करते थे जब आप पहले करते थे, करते थे, आप एक्सपेरिमेंट करते थे आप प्रैक्टिकल करते थे परफॉर्म करते थे फिर उस प्रैक्टिकल को आप उस प्रैक्टिकल को आप रिट राइट अप करते थे उसमें आपको एम क्या दिया गया है आपको टास्क क्या दिया गया है उसके बाद आपको भाई मेटीरियल रिक्वायरमेंट क्या है उस उस जॉब को बनाने के लिए उसको रिक्वायरमेंट क्या है आपको स्टील की प्लेट मिली उसका डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है डायमेंशन उसका लिखना बहुत जरूरी है इसके अलावा इसके बाद क्या आपका स्टेप हो सकता है इसके बाद आ सकता है कि टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट की टूल्स और आपके जो है

सारी की सारी चीज़ों को मिलाकर ये एक सेटअप बनता है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं या फिर मैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर से लेकर आपका वेल्डिंग टॉर्च वेल्डिंग इलेक्ट्रोड तक जितनी भी इन बीच में यहाँ पर सेटअप में आई उसको मैं क्या बोलूंगा कि पूरा का पूरा ये वेल्डिंग का सेटअप है तो वेल्डिंग सेटअप का चाहे वो इलेक्ट्रिक आर्क हो चाहे गैस हो इन सब का सेटअप का डिमोस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि गैस ट्रांसफॉर्मर आपका क्या हो सकता है क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों जो होता ना, वो आपके बहुत अलग -अलग तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो हो सकता है हो सकता है वो आपको क्या बोले वो आपको बीड हो सकता है वो आपको कोई माइल्ड स्टिल की प्लेट दे दे डायमेंशन आपको उसमें दे दे और वो बोले कि भाई इसमें बीड बनाओ और वो बीड बनाने जब वो आप बीड बनाएं जब आप बीड बनाए तो वो बीड़ उसे वो एनालाइज़ करें कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है या फिर हो सकता है कि जिस दौरान जिस दौरान या हो सकता है ग्रुप में आपसे ग्रुप्स में आपसे बुलाया जाए ग्रुप में आपसे बुलाया जाए और ग्रुप में आपसे बुलाया जाए और ग्रुप में जब आप वेल्डिंग कर रहे होंगे उसी दौरान जो एग्जामिनर आए वो आपके जिस दौरान आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी दौरान आपको एनालाइज उसी दौरान वो क्वेश्चन पुट अप करे उसी दौरान वो आपको देख के वो आपका वो एनालाइज कर लेगा कि किसको जो है कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर उसी दौरान वो कुछ क्वेश्चन से रिगार्डिंग वेल्डिंग से रिगार्डिंग आपसे पूछे तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है कि पहले हो सके वो सबको जो है बीड बनाने के लिए दे दे, दे और बीड बनाने के जब बीट बना के आए और ये पूरा सुपर में होगा ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ग्रुप में बुलाएं या फिर वन बाई वन बुलाएं और आपको जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया या फिर उसने बीड बनाने के आपको दी या फिर कोई ज्वाइंट बनाने के लिए दिया तो उसी दौरान जैसे आपका इंटरव्यू होता है उसी दौरान आपकी बीड देखे और उसी दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे ये इंटरव्यू मेथड हो सकता है ये इंटरव्यू मेथड हो सकता है तो कुल मिलाकर बहुत सारे मेथड है इंटरव्यू मेथड है, है इसको डिमोस्ट्रेशन करें इसका डिमोस्ट्रेशन कीजिए इसके बारे में बताइए या फिर जो टास्क जो आपको दिया गया है वो ओरली आपको बताया जा सकता है कि आप ये ज्वाइंट कैसे बनाएंगे ये आप कैसे तैयार करेंगे या फिर गैस वेल्डिंग चाहिए स्टेप बाई स्टेप तो इसी चीज को आप एग्जामिनर के सामने वन बाय वन अगर बताते हैं कि सर मेरा एम ये था मटेरियल रिक्वायरमेंट ये थी इसकी डायमेंशन सर थी और टूल रिक्वायरमेंट या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इन इन चीजें ये चीजें यूज करी मैंने अगर मैंने वेल्डिंग की जो रॉड है बच्चों अगर मैं वेल्डिंग की रॉड अगर यूज कर रहा हूं तो मुझे उस वेल्डिंग रॉड का डजग्नेशन पता होना चाहिए मुझे पता होना चाहिए कि उसकी जो थिकनेस उसकी जो डायमीटर है वेल्डिंग रॉड की डायमीटर वो कितनी है भाई जब मुझे वेल्डिंग और वेल्डिंग का रॉड का जो डायमीटर है वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपकी जिस मटेरियल जिस थिकनेस को आपने वेल्ड करना है जो जॉब है आपका किस कितनी मोटी प्लेट को आपने जॉब करना उस पर डिपेंड करेगा तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर ये चीजें डिपेंड करती है सबसे पहली बात आपको थिकनेस पता होना चाहिए थिकनेस के अनुसार आप वेल्डिंग रॉड चूज करोगे उसके अनुसार आप वेल्डिंग करंट जो है वो डिसाइड करोगे कि ये वेल्डिंग करंट आपको पता होना चाहिए कि जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टेज कितना है कितने वोल्ट इसके अलावा कितना मैक्सिमम करंट जो है हम इस इसमें सेट कर सकते हैं ये सारी की सारी आपका ट्रांसफर जो है वो वो क्या है है कौन किस टाइप का एयर कूल है किस टाइप का ट्रांसफार्मर है इसके अलावा आपको सारी की सारी चीजें आपको जितने भी वेल्डिंग सेटअप में होनी चाहिए आपकी उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों सेफ्टी प्रिकॉशंस कि आप क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हो आपके वेल्डिंग करने देखो एग्जामिनर आपको बहुत तरीके से जो है वो फंसा सकता है बहुत तरीके से ऐसा नहीं है कि स्किल टेस्ट अगर नाम है प्रैक्टिकल टेस्ट नाम है तो कि वो आपको जाना है है जॉब पे आ, आ, क्या कहते हैं वेल्डिंग करके आनी है, और आज जी को दिखाना है कि ये रहा तो तो, तो पूरा पूरा पूरा? प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए वन स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर आपके पास जॉब सबसे पहले आया जॉब सबसे पहले सपोज आपके पास जॉब आया बच्चों अब क्या आपने सबसे पहले क्या किया आपने जॉब को देखा कि जॉब की सरफेस आपकी क्लीन है या नहीं यही सब चीजें होती है जो एक दूसरे आपने भी राइट अप किया है बगल वाले ने भी राइट अप किया है बगल वाले ने भी राइट अप किया है और तीनों ने ही एक्सपेरिमेंट भी किया है तीनों ने ही परफॉर्म में भी किया है एक ने हर एक चीज का ध्यान दिया जैसे ही उसको जॉब मिला उसने उसकी सरफेस देखी कि सरफेस डर्ट फ्री है वेल्ड एरिया जिस 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 सरफेस पर आपको वेल्ड करना है जिस जगह पर आपको वेल्ड करना है इट शुड बी डर्ट फ्री इट शुड बी मॉइस्चर फ्री इट शुड बी रस्ट फ्री इट शुड बी पेंट फ्री इट शुड बी ऑयल फ्री इट शुड बी ग्रीस फ्री बिल्कुल इससे साफ होना चाहिए तभी तो आप वहां पर वेल्ड कर पाओगे और वेल्ड करोगे इसी तभी आपका जो वेल्ड वहां पर बनेगा वो अच्छे से पेनिट्रेट होगा अच्छे से वहां पर वेल्ड बीट बनेगी और अच्छा सा ज्वाइंट और अच्छे से स्ट्रेंथ मुझे वहां पर ज्वाइंट की मिलेगी तो ये चीजें मुझे पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहले जो जॉब है मेरे को जॉब मिला है उसकी सरफेस को मैं क्लीन करूंगा उसको उसको तो वेट एरिया को साफ करूंगा अगर आ, लाइट ऑक्साइड्स हैं सिंपल तो मैं रिमूव कर दूंगा पेंट है ग्रीस है इसके लिए बहुत सारे केमिकल हमारे पास यूज करते हैं हम हम एसिटोन यूज करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं इसके सॉल्यूशन अपने जॉब को डुबो सकते हैं सिंपल अगर हल्की फुल्की अगर हैवी ऑक्साइड है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें एसिड पिकलिंग है उसके लिए फिर एमरे पेपर से उसको साफ कर सकते हैं फाइलिंग हम उसके से कर सकते हैं बहुत सारे हमारे पास मेथड हो सकते हैं इसके अलावा ब्रशिंग है वायर ब्रश से उसको बिल्कुल क्लीन क्लीन कर ले बहुत सारे हमारे पास मेथड हो सकते हैं लेकिन पहला स्टेप क्या है कि जिस एरिया पर जिस पोजीशन पर मेरे को बेल्ड करना है वो मैं देखूंगा कि वो मेरी साफ सुथरी है कि नहीं इस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल को दूसरे से अलग बना सकते देखो वेल्डमीट तो सब बना रहे हैं ज्वाइंट सब बना रहे हैं सारे के सारे लोग जो हैं अपने ज्वाइंट बना रहे हैं लेकिन आप अलग क्या कर रहे हो कैसे एग्जामिनर को आप अलग दूसरे से बेहतर अगर आपकी वो कॉपी देखता भी सपोज अगर आपको वन बाई वन वो बुलाता भी है आपको जो सीट आपने जिस पर राइटअप किया है अपना प्रैक्टिकल और आपका जो जॉब है

क्योंकि सामान्यतः सिक्स जीरो वर्कशॉप में बहुत ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि ऑल वेल्डिंग इससे की जा सकती है चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे फ्लैट हो चाहे वर्टिकल हो चाहे ओवरहेड हो और जनरल पर्पज ये इलेक्ट्रोड होती है इसके अलावा यह सारी करंट के लिए सुटेबल होती है चाहे ए हो डीसी हो या पोलिटी की बात करो तो डीसी पी हो स्टेट पॉलर्टी हो या फिर रिवर्स पॉलिटी है हर हम ये यूज कर सकते इवन जो है पतली प्लेट्स के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं तो ये चीज आपको नोटिस करनी है अगर आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में दिखता है इसके अलावा अगर ई सिक्स जीरो वन थ्री है तो वहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ई सिक्स जीरो वन थ्री है मल्टीपर्प जनरल पर्पज है

अगर आ गई तो रिएक्शन हो जाएगी आ गई तो आपकी जो सरफेस जो है वो हो जाएगी, तो पर आपका आपका फर्क पड़ेगा तो इन सब चीजों का इन सब चीजों से हम थोड़ा सा अलग हो सकते हैं बेसिक्स नॉलेज वो में दस बच्चे आए दस बच्चों ने बच्चों दस बच्चों ने आंसर दिए लेकिन आपको कैसे बच्चे कैसे अपने आप को अलग करना है बेसिक्स नॉलेज अगर आपको होगी तो आप पता कर सकते इलेक्ट्रोड कितने टाइप की होती है कितने टाइप की सामान्यतः सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है सामान्यतः 3.2 3.2 mm 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 या फिर mm या फिर फिर 2.5, 2.5 आपका mm डायमीटर की इलेक्ट्रोड सामान्यतः बहुत ज्यादा यूज की जाती है डेली यूज में फेब्रिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वेल्डिंग रजिस्ट्रेशन बताया कोड बताया E6013 इससे भी बच्चों बहुत ज्यादा ये शॉप की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा यूज होती है जनरल तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप इसके बाद आप लिख सकते हो बच्चों सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन किस सीक्वेंस में आप अपने को कर रहे हैं अपना जो जॉब बना रहे हो वो किस सीक्वेंस में अभी कल वाले लेक्चर्स में आपको मैं लिखना बताऊंगा बच्चों कि प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया है लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट को राइटअप कैसे करना है ये मैं कल के सेशन में आपको अच्छे से बताऊंगा और जब आप जब आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो राइटअप कर रहे हो उस दौरान बच्चों जो टास्क आपको दिया गया है जो जॉब आपको बनाने के लिए दिया गया है उस जॉब की ड्राइंग जरूर बनाएं। उस जॉब की ड्राइंग जरूर बनाएं जैसे आप जैसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाते हैं सेम उसी तरीके से बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप जरूर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएं अगर आपको सीट ऐसी मिल रही है सीट ऐसी मिल रही है तो कोशिश करें कोशिश करें कि अगर राइट हैंड साइड आप लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है अपने जॉब की ड्राइंग बनाएं ये अच्छा तरीका माना जाता है इसके अलावा इसके अलावा आप सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर मैं बात तो सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको पता होना चाहिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मेरे अगर जो जो वेल्डिंग वेल्डिंग बूथ है है मेरा एरिया वो कैसा होना चाहिए मॉइस्चर फ्री होना चाहिए वो ऑयल फ्री होना उसका सरफेस ऑयल फ्री होना चाहिए उसके वेल्डिंग बूथ की अगर मैं बात करूं वेल्डिंग केबिन की बात करूं तो कैसे पेंटेड होना चाहिए किस प्रकार के पेंट वहां पर लगे होने चाहिए ये बेसिक्स नॉलेज अगर आपको है तो आप

तो ये आपको पता चलना चे चाहिए कि वेल्डिंग जो बूथ है मेरा वो डार्क कलर से हमेशा पेंटेड होता है डार्क कलर वहां पर पेंटेड होगा आप कभी भी वहां पर लाइट नहीं करेंगे कि लाइट जो कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें पता है हमारी जो वेल्डिंग जो हमारी आर्क होती है उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज और इन्फ्रावायलेट रेज निकलती है वो हमारी त्वचा वो हमारे आंखों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है इसीलिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो आपके वेल्डिंग हेलमेट होते हैं शील्ड्स hey, होती हैं हैं गॉगल्स होते है, आपके पीपी -पी, किट होती है आपने देखा वेल्डिंग वाले अगर आपने देखा होगा वेल्डिंग के लिए इन सब का जो कलर होता है वो भी कैसा होता है आपका वो डार्क कलर का होता है डार्क कलर होता है इसीलिए ताकि जो है आ, आपकी जो रेज वेड रेज है वो रिफ्लेक्ट ना हो पाए इसलिए इसको डार्क कलर बनाया जाता है तो ये बेसिक्स बेसिक्स नॉलेज जो है ये आपको होना चाहिए हम सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आप पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको 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 ये जॉब बनाना है 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 एज पर दी गई होगी और हो सकता है, में, हो सकता सकता में में सिंबल के माध्यम से उसने बताया गया हो कि कहां पर आपको ज्वाइंट बनाना है कौन सा ज्वाइंट बनाना है कितने एम mm एम का वहां पर आपको वेल्ड साइज क्या रखना है ये तमाम सारी चीजें जो है वेल्ड सिंबल से वो आपको दर्शा सकता है और वेल्ड सिंबल हमने पढ़ाया वेल्ड सिंबल का भी आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए बोल सकता है वेल्ड सिंबल के माध्यम से वो बता सकता सकता है 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 एक सिंबल बना एरो के ऊपर दोनों साइड कौन सा वेल्ड होना स्क्वायर या फिर आपका ज्वाइंट बनना है कौन सा वी बनना है डबल वी ज्वाइंट बनना है ये तमाम सारे जो इंडिकेशन है वो जो आपको बनाना है वो केवल वेल्ड सिंबल के माध्यम से आपको दे सकता है और आपको बनाना होगा अगर आपने वेल्ड सिंबल अच्छे से समझ लिया तो आप जो ज्वाइंट वहां पर बनाएंगे वो अच्छे से बना

इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको पता होने चाहिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे आपकी जो ड्राइंग होती है अगर किस ट्राइप के क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि अगर वो परफॉर्म करने के लिए देता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस प्रकार के फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कैसे मेक अ जॉब एज पर जैसे आप पूछ सकता है मेक अ अ जॉब जॉब एज पर ड्रॉइंग एज पर ड्रॉइंग सिंपल सी अगर मैं पूछूं सिंपल वो ऐसे पूछ सकता है कि एक आपको क्वेश्चन बो दिख सकता है कि मेक अ जॉब एज पर ड्राइंग और एक ड्राइंग आपको दे सकता है एक ड्राइंग आपको दे सकता है सपोज ये आपकी एक ड्राइंग है सपोज ये आपकी एक ड्राइंग है इसकी उसने आपको डायमेंशन दे रखी है इसको उसने आपको डायमेंशन दे रखी है ये दो प्लेट है इन दो प्लेट को आपने ज्वाइन करना है और यहाँ पर इसको उसने एक सिंपल के माध्यम से दर्शाया है कि यहाँ पर ज्वाइंट जो है वो कैसा बनना है यहाँ पर ज्वाइंट जो है वो कैसा बनना है इस तरीके से उसने दर्शाया है और आपको उसने यहाँ पर जो है वो डायमेंशन भी आपको दे रखी है डायमेंशन क्या होगी आपकी सपोज डायमेंशन दे रखी है कभी भी आप ड्राइंग लिख में लिखें बच्चों तो यहां पर आप जो है डायमेंशन यूनिट ना लिखें आप नीचे लिखेंगे नोट नोट लिखें ऑल डायमेंशन आर इन एम एम ऑल पर आपको हर बार एम 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 लिखने की जरूरत नहीं है इस प्रकार वो आपसे दे सकता कैसे राइट अप करना है बच्चों ये सब वन बाय स्टेप बाई स्टेप कैसे डिमोस्ट्रेशन एक एक चीज को डिमोस्ट्रेशन करना हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एक एक चीज को डिमोस्ट्रेशन करके बताएंगे बच्चों गैस वेल्डिंग को ऑपरेट करना हम बताएंगे कि गैस वेल्डिंग कैसे ऑपरेट करनी है आपको ठीक अगर आपको डिमोस्ट्रेशन क्योंकि गैस वेल्डिंग सेटअप जो होता ना थोड़ा सा खतरनाक होता है गैस वेल्डिंग को ऑपरेट करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है आसान होता है अगर स्किल्स हैं आप अदरवाइज मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है गैस वेल्डिंग को कभी भी एग्जामिनर नहीं देता है। क्योंकि थोड़ा सा उसका ऑपरेशन जो है थोड़ा सा आ, रिस्की हो सकता है तो आपसे अगर गैस वेल्डिंग के बारे में अगर वो पूछना भी चाहे तो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएगा वो करवाएगा आपसे क्या वो करवाएगा बच्चों तो आपको उसका आ, आ, क्या डिमोस्टेशन करने के लिए बोल सकता है कि आप गैस फ्लेम कैसे बनाएंगे थ्रू आज से आपको बोल सकता है कि कैसे आप फ्लेम बनाएंगे कैसे आप ऑपरेट करते हैं गैस वेल्डिंग सेटअप को कैसे क्या चीज आप पहले खोलेंगे ठीक आ, कैसे आप जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाएंगे या फिर सबसे पहले गैस वेल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले या गैस वेल्डिंग को सबसे पहले अगर हम स्टार्ट गैस वेल्डिंग को इग्नाइट करते हैं जैसे ही हम स्पार्क स्पार्क से आ, तो हम जैसी हम जो स्पार्क लाइटर होता है उससे हम जैसे इग्नाइट करते हैं तो सबसे पहले जो फ्लेम बनने वाली जो फ्लेम है वो कौन सी फ्लेम होती है उसके बाद हम क्या किस चीज को किस चीज के रेगुलेट करके किस गैस को रेगुलेट करके हम जो है वो न्यूट्रल फ्लेम बना सकते हैं तो ये तमाम सारे छोटे छोटे क्वेश्चन या फिर वो पूछ सकता है आपसे कि गैस वेल्डिंग के सेटअप में छोटे छोटे आप पूछ सकता है कार्ब उसके बारे में पूछ सकता है आपसे रेगुलेटर के बारे में पूछ सकता है सिंगल स्टेज है या डबल स्टेज है क्या डिफरेंस है दोनों में

गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ड्रॉट्स मैन मैकेनिक के लिए बच्चों सबके लिए आएगा सबके लिए आएगा ये देखिए बच्चों फिफ्टी इसके अलावा अगर मैं गैप की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो गैप वो साफ देख देगा बच्चों यहाँ पर वो गैप दे देगा यहाँ पर कि ये जो गैप रखना है हमें वो कितना रखना है ये साफ वो कर देगा यहाँ पर तो गैप यहाँ पर कितना है लिखा हुआ 1.5 ये गैप रखना है इसका मतलब इसने वेल्ड सिंबल से इसने दर्शा दिया है मेक अ जॉब एज पर ड्रॉइंग ये आपका ये समझ लीजिए क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन है तो आप इसको आ, इसको आपने परफॉर्म करना है इसको आपने क्या करना है परफॉर्म करना है तो बच्चों आपको पता लग गया है यहाँ पर आपको क्या करना है एज वेवल नहीं करना है स्क्वायर जॉइंट जॉइंट बनाना है इसकी जो विड्थ है इसकी जो विड्थ बच्चों वो आपकी 6 एमएम mm है 6 6 तो आपको यहां पर पता लग गया कि यहां पर आपको स्क्वायर जॉइंट बनाना है को करने की जरूरत नहीं है है इसी प्रकार ये प्लेट आपके पास दो प्लेट है कितनी फिफ्टी बाई सिक्स की आपकी क्या है आपकी थिकनेस है सिक्स क्या है इसकी आपकी थिकनेस है मैं बोलूंगा बच्चों फिफ्टी बाई फिफ्टी की भी हो सकती है ठीक आपकी ये आ, इसकी जो डायमेंशन है या आपकी कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है ऊपर mm है सिक्स एम एम है पांच एम एम के आस है तो यहाँ पर हमने जो है ये क्या है बच्चों ये वन जो है वो क्या है आपका इसको कहते हैं बच्चों हमें ये इसको कहेंगे रूट गैप इसको क्या क्या रूट गैप और जब हम एज वेवल करते हैं अगर हम कंप्लीट एज वेवल नहीं करते हैं नीचे वाला पार्ट थोड़ा छोड़ देते हैं उसको कहते हैं रूट फेस ये थोड़ी छोटी चीजों को आपको पता होना चाहिए तो इसी को, इसी जॉब जॉब को को जब आप वेल्ड बेल्टीट इस पर बनाएंगे इस पर वेल्ड बीट बनाएंगे मतलब इसको ज्वाइंट करेंगे ज्वाइंट करने के बाद वेल्ड बीट बनाएंगे उसी के बाद इसी प्रैक्टिकल को आप राइट अप करते हो इसी प्रैक्टिकल को अगर आप राइट अप करते हो और यही चीज राइट अप करते हो और यही चीज आपके आईटीआई जब आपने करी होगी तो सेमेस्टर एग्जाम में यही चीज यहाँ पर होती है यही चीज होती है कि इसी सेम जो आप कर रहे हो उसी को आपने क्या करना है राइट अप करना है तो सेम वही बच्चों ऑब्जेक्ट में बोलू ऑब्जेक्ट क्या है या फिर एम क्या है मैं करना क्या चाहता हूं तो ये है हमें क्या करना है हमें बट ज्वाइंट बनाना है यहाँ पर क्या बनाना है यहाँ पर बट ज्वाइंट इतना हमें समझना है यहाँ पर ज्वाइंट कौन सा बनाना है बट ज्वाइंट बट ज्वाइंट ठीक इसके अलावा अगर मैं बोलूं आप यहां पर डायमेंशन भी लिख हैं ऑन इतने इतने डायमेंशन की एम एस प्लेट पर इसके अलावा सेकेंड आपका क्या होता है मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है मेटेरियल रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे एम एस स्टील की प्लेट एम एस प्लेट ठीक यहां पर आप इसका डायमेंशन जरूर लिखेंगे डायमेंशन जरूर लिखेंगे टू प्रिपेयर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा आपका टू प्रिपेयर बट ज्वाइंट यहां पर क्या बनाना है आपको बट ज्वाइंट इसके अलावा इसके अलावा आप क्या लिखते हैं उसके बाद मेटेरियल रिक्वायरमेंट के बाद आप क्या लिखते हैं टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अब बच्चों हो सकता है वहां पर आपको हो सकता है कि वहां पर आपको कटा हुआ जॉब मिले लेकिन जब आप राइट अप करोगे जब आप राइट अप करोगे उस दौरान आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो उस दौरान जब आपको जॉब को कटिंग करनी है हो सकता है आपको फाइलिंग भी करनी हो ठीक क्योंकि ऊपर से हो सकता है आपको अगर उसमें हैवी ऑक्साइड्स है तो फाइल के माध्यम से आप उसको रिमूव करें तो आपको सारी की सारी मार्किंग आपको इसमें करनी पड़ेगी ठीक कहां पर आपको वेल्ड वेल्टीन बनानी तो वो सारी की सारी चीजें जो है आप यहाँ पर लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टूल्स भी लिखेंगे ठीक और इक्विपमेंट में आ जाएगा आपका वेल्डिंग सेटअप वेल्डिंग सेटअप और वेल्डिंग सेटअप की अगर मैं बात करता हूं तो वेल्डिंग सेटअप में सब कुछ आ जाएगा बच्चों सब कुछ आ जाएगा चाहे आपका ट्रांसफॉर्मर से लेकर आपका वेल्डिंग जो आपका इलेक्ट्रोड है वेल्डिंग टॉर्च है ये सारा का सारा आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जब आप लिखोगे उसके ब्रैकेट में आप जरूर लिखोगे कितना तो वोल्टेज और आपका एम्पियर कितना एम्पियर जो है ये हाइस्ट देश इसके अलावा

और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मतलब करने की बीच में कौन कौन से आपने प्रक्रिया कौन कौन सी प्रोसेस आपने करी हो सकता है आपने 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 सबसे पहले कटिंग करी 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 हो 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 ठीक उसके बाद बाद सकता सकता है है फाइलिंग फाइलिंग करने के प्रिपरेशन पर आप नहीं कर रहे हैं इसके अलावा उसके बाद आप वेल्डिंग कर सकते हैं उसके बाद आप वेल्डिंग करने के बाद आप क्या करते हैं उसको कूलिंग करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे उसका क्या कहते हैं उससे जो है स्लैग रिमूव करेंगे चिपिंग तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी आपकी चिपिंग चिपिंग हैमर से, उसके बाद आपकी फिनिशिंग। तो ये सारे के सारे के सीक्वेंस ऑफ आप लिखेंगे उसके बाद आप प्रोसीजर लिखेंगे प्रोसीजर कैसे कैसे आपने करें और हो सके तो महाभारत की तरह ना लिखें इसे स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखें और ज्यादा नहीं सात आठ मैक्सिमम दस स्टेप में जो है ये चीज आप खत्म कर दें बच्चों और लास्ट में लास्ट में आप सेफ्टी लास्ट में आप सेफ्टी का जरूर ध्यान रखेंगे मैं कहूं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस सेफ्टी प्रिकॉशंस लास्ट में आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस सेफ्टी प्रिकॉशन सेफ्टी प्रिकॉशन सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रटे रटाए लिखने की जरूरत नहीं है अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा अलग ओबे पीपीई पीपीई किट को पहनना जरूरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें आपके एप्रन हो सकता है ग्लव्स हो सकता है आपकी आ, आ, वेल्डिंग हेलमेट हो सकता है आपकी फेस शील्ड सारी की सारी इसमें ही आ जाती है आपकी पूरी की पूरी आपकी इसको आप पहनना जरूरी है इसके अलावा बच्चों वर्क एज जैसा इंस्ट्रक्शन में आपको बोला गया है जैसी आपको ड्राइंग ली है उसी के अनुसार जो है आप वर्क करें वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन इसके अलावा कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम फ्यूम्स जो आपको पता है बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं अगर सेलुलोस कोटिंग वाली इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं यहाँ पर कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूम निकलती है तो अपने आप को बच्चों यहाँ पर फ्यूम से दूर रखें इसके अलावा चेक वेल्डिंग केबरली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अगर कर रहे हैं आप या फिर आप वेल्डिंग के इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी वेल्डिंग केबल्स जो है वो प्रॉपरली चेक कर लें कि कहीं से आपकी कटी तो नहीं है ये सारी की सारी आप चीजें चेक कर लीजिए इसके अलावा यदि अगर आप गैस वेल्डिंग अगर यूज कर रहे हैं बच्चों तो आप होस पाइप को होस पाइप जनरली आपकी थ्री लेयर में बने होते हैं थ्री लेयर में अभी जब हम कल आने वाले लेक्चर्स जो हैं अभी हम हो सकता है कि एक हफ्ते हम आपके रिस्पांस के ऊपर बात डिपेंड करेगा कि आप लोग जो है कितना इसको जो है इंजॉय करते हैं कितनी आपकी डिमांड है जिस हिसाब से आप कमेंट करेंगे बच्चों क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए उसी हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट से कि आप कितना इंटरेस्ट में बनाते हो तो डेली हम इससे रिलेटेड जो है गैस वेल्डिंग सेटअप उसका एक एक चीज का एक एक पार्ट्स का हम करने की कोशिश करेंगे कटिंग कैसे करनी है गैस कटिंग और गैस बेल्डिंग में क्या डिफरेंस है क्या क्या ध्यान हमें उसमें रखना है ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिक आर्ग बेल्डिंग में है, कैसे हमें किन किन वेरिएबल्स का हमें ख्याल रखना है ये सब चीजें जो हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्लियर हो गया इसके अलावा बच्चों क्या-क्या कि वेल्डिंग uh, केबल्स या फिर होस पाइप्स जो जनरली थ्री लेयर में बने होते हैं उसमें कट हम देखेंगे ये सारे के सारे हम कट नोटिस करेंगे अगर कट uh, अगर है तो उसको प्रॉपर्ली जो है हम उसको uh, सही करेंगे या फिर हम उसको रिप्लेस uh, कर देंगे इसके अलावा एंस्योर करेंगे हम कि जो आपका जॉब है आपका वर्क पीस है इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल ग्रीस पेंट एंड डर्ट अलावा Uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं फ्यूम्स निकलती गैसेज निकलती यहाँ पर और जो बहुत खतरनाक हो सकती है इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन जहां पर आप वेल्डिंग कर रहे हो वहां पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है ठीक और कोशिश करें कि वेल्डिंग जो बूथ है आपका वो डार्क कलर से पेंटेड हो तो ही, ऐसी, ऐसी ही ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी ही स्किल टेस्ट से रिलेटेड बच्चों हम uh, नए नए सेशंस लेके आएंगे कि कैसे इसको लिखना है कैसे राइट अप करना है किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे वो पुट अप कर सकता है तो वो सारी की सारी चीजें जो है बहुत शॉर्ट में हम आ, हर वेल्डिंग के साथ आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के डिटेल्स में उसके सेटअप के साथ उसमें क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है इसके अलावा गैस वेल्डिंग के सेटअप में उसको कैसे ऑपरेट करना है क्या सबसे पहले सब कौन सी फ्लेम बनती है सबसे पहले अगर स्टार्टिंग अगर हमें फ्लेम बनानी है सबसे पहले अगर हमें ऑपरेट करना है तो सबसे पहले हम कौन सा वाल्व खोलेंगे अगर हमें बंद करना है अपना सेटअप या फिर अपनी वेल्डिंग प्रोसेस को तो कौन सा वाल्व हम सबसे पहले आ, बंद करेंगे ये छोटी छोटी चीजें हैं ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो बच्चों ये हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा बच्चों ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जो है व्यू जरूर दें कि सर क्या किस तरीके से जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी जो है हम इस तरह की क्लासेज जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट टोटली अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा आपका कमेंट आएंगे आपका आ, जैसे कि वेल्डर की बच्चों बहुत क्वेरीज आ रही थी और बच्चों ने वेल्डर के बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है तो उसी पर भी बच्चों में डिपेंड करेगा और ये क्लास हमें कंटिन्यू उसी पर हम जो है आपके व्यूज पे आपके इंटरेस्ट पे हम ये कंटिन्यू रखेंगे ओके बच्चों, थैंक यू